सुनना कि जब जेब में ना हो पैसा, जब जेब में ना हो पैसा तो होता है कोई दोस्त ना कोई हमदम, इसी बात पे हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम। तो गाइस आज से हम शुरुआत करने वाले हैं नेशनल इनकम क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और आज हम पढ़ेंगे इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या है। तो शुरुआत करते हैं नेशनल इनकम की पार्ट फर्स्ट की शुरुआत। तो गाइस शुरुआत करते हैं स्टॉक और फ्लो से। स्टॉक किसको बोलेंगे और हम फ्लो किसको बोलेंगे? स्टॉक उस चीज को बोला जाएगा या उस कॉन्सेप्ट को बोला जाएगा, उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक थिंग को बोला जाएगा विच कैन बी मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम। वो सारी चीजें जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हम स्टॉक बोलेंगे, और वो सारी चीजें जो हम एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में पीरियड में काउंट कर सकते हैं, all those things which can be measured in a period of time is known as flow, right? अब इसको कैसे समझे? देखिए आप फोटो कैमरा और वीडियो कैमरा, फोटो कैमरा किसी पर टाइम पर क्लिक होता है ठीक, बस ये स्टॉक है। यानी ऐसी सारी चीजें जो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बोल सकते भी कि 5 बजे इतना स्टॉक था, या 5 तारीख को इतना स्टॉक था, या 25 तारीख को इतना स्टॉक था, तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको बता सकते हैं। तो जैसे क्लिक वाला कैमरा जो पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, क्लिक 2:15 पर ये क्लिक हुआ, तो ऐसी जो क्लिक कर सकते हैं, जो पॉइंट पर हम काउंट कर सकते हैं उसको हम स्टॉक बोलेंगे। लेकिन वो चीजें जैसे कि वीडियो कैमरा एक सिंपल एग्जाम्पल है। वीडियो कैमरा की अगर बात करेंगे तो वीडियो कैमरा एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन की रिकॉर्डिंग करता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग किया आपने 5 बजे से 15 मिनट तक, या 5 बजे से 5:10 तक, 10 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो, 2 मिनट का वीडियो, कुछ भी, लेकिन आप एक पीरियड की बात कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो आप एक पीरियड में ही काउंट कर पाते हैं उन सबको हम बोलेंगे फ्लो, और वो सारी चीजें जिनको हम पॉइंट पर काउंट कर सकते हैं उन सबको बोलेंगे हम स्टॉक। तो इन सब स्टॉक और फ्लो का हमारी जो इकोनॉमिक थिंग्स है उनसे कर लेना है या नेशनल इनकम से कर लेना है। भाई नेशनल इनकम अपने आप में फ्लो है या इनकम है, सॉरी फ्लो है या स्टॉक है, पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखिए इनकम को हम पीरियड में काउंट कर सकते हैं या पॉइंट पर। आप बताइए आपकी इनकम है, 1 महीने की इनकम 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, तो 1 महीने की इनकम है ना एक ड्यूरेशन की, इट मीन्स उसको आप पीरियड में काउंट कर सकते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि नेशनल इनकम भी जब आपकी इनकम फ्लो है एक टाइम पीरियड में काउंट हो रही है तो देश की इनकम भी फ्लो ही होगा, राइट? लाइक वाइज यदि आप देश की सेविंग की बात कर लें, परचेस कितना किया, एक्सपोर्ट कितना हुआ, इंपोर्ट कितना हुआ, ये सारी चीजें हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में ही काउंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होगी, ये सारी चीजें फ्लो होगी, यानी कि सेविंग फ्लो है, इनकम फ्लो है, परचेस भी फ्लो है, एक्सपोर्ट भी फ्लो है, इम्पोर्ट भी फ्लो है, इन्वेस्टमेंट भी फ्लो है, जो हम पीरियड में काउंट कर सकते हैं वो सब चीजें फ्लो है। और वो सारी चीजें जो हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मनी सप्लाई इट मीन्स लोगों के पास कितना पैसा है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको मनी सप्लाई बोलते हैं। तो लोगों के पास कितना पैसा है वो सुबह से लेकर शाम तक तो नहीं हो सकता ना, वो तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना पैसा है ये बताया जा सकता है। बैंक में बैलेंस, 2 बजे बैलेंस कितना था, या 5 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना था, तो बैंक में बैलेंस भी स्टॉक है। कैपिटल, कितना कैपिटल लगा रखा है किसी बिजनेस में, कितने टाइम में लगाया वो नहीं, कितना लगा रखा है ऑलरेडी है वो कैपिटल है, तो उसको हम स्टॉक बोलेंगे या फ्लो, उसको स्टॉक बोलेंगे क्योंकि हम पर्टिकुलर पॉइंट पर बताएंगे कि अभी तक बिजनेस में या 5 लाख रुपए लगा हुआ है, जो आप ड्यू करते जा रहे हैं वो सब इन्वेस्टमेंट हो, तो इन्वेस्टमेंट फ्लो है। नेक्स्ट वेल्थ, मेरे पास 10 करोड़ रुपए का संपत्ति, 10 करोड़ रुपए की संपत्ति, तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर है, इस साल है, अगले साल होगी कि नहीं होगी पता नहीं,
करेंसी मेरे पास नहीं, इन्वेंट्री स्टॉक इतना बिजनेस है, 25,000 का माल पड़ा हुआ है, 50,00,000 का माल पड़ा हुआ है, तो वो कठिन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पड़ा हुआ है, दिवाली आने वाली है, इसलिए मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक्स्ट्रा माल रख लिया, तो मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं, राइट। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टॉक एंड फ्लो, कि वो सारी चीजें जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट की जाए वो सब स्टॉक है, और वो सारी चीजें जो पीरियड में काउंट की जाए वो सब फ्लो है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस क्या है। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो है, देखिए जब इंटरमीडिएट गुड मीन्स दो की टर्म्स है, फॉर फर्दर प्रोडक्शन इट मीन्स द गुड्स विच परचेज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर आपको उससे कुछ और बनाना है, आपने लकड़ी ली है उससे आपको फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर यदि आप बना रहे हैं वापस, तो आपको अपने फर्दर परचेज फर्दर उसको प्रोड्यूस करने के लिए यदि आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, या आपको फर्दर उसको रीसेल करना हो, वापस उसको बेचना हो, तो भी आप उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट यदि आप फाइनल गुड्स की बात करें, तो फाइनल गुड्स यानी कि इसके दो पर्पस हो सकते हैं, अब फाइनल गुड्स कंज्यूमर भी खरीद सकता है और जो है बिजनेसमैन भी खरीद सकता है। कंज्यूमर यदि उसको फाइनल कंजम्पशन के पर्पस से खरीद रहा है, यूजुअली कंज्यूमर तो कंजम्पशन के लिए खरीदता है, तो कंजम्पशन के लिए यदि खरीद रहे हैं चीज को, यानी कि फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदा गया हो चीज, या फिर बिजनेसमैन यदि खरीद रहा है, तो बिजनेसमैन यदि खरीद रहा है तो वो फाइनल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रहा है, तो यदि बिजनेसमैन खरीद रहा है फाइनल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो भी उसको आप फाइनल गुड्स बोलेंगे, राइट। अब आपको यहां कंफ्यूजन सिर्फ इसमें होता है, फाइनल इन्वेस्टमेंट और ये इंटरमीडिएट गुड्स में। देखिए फाइनल इन्वेस्टमेंट इट मीन्स ऐसी चीजें जो आप कह सकते हैं कि जो कैपिटल गुड्स है, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर हम देखें परचेज ऑफ मशीनरी बाय प्रोड्यूसर या बिजनेसमैन, बिजनेसमैन ने यदि मशीनरी खरीदी है तब तो हम उसको फाइनल गुड्स मानेंगे, राइट। लेकिन यदि बिजनेसमैन ने जैसे एग्जाम्पल तौर पर मिल्क परचेज बाय रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में मिल्क खरीदा है, तो अब क्या करेगा, उसकी चाय बनाएगा, दही बनाएगा, कुछ और बनाएगा, या कॉटन परचेज बाय थ्रेड मेकिंग मिल, थ्रेड मेकिंग मिल ने कॉटन परचेज किया, वो कॉटन से वो धागा बनाए, कॉटन से वो थ्रेड बनाएंगे, राइट। तो ये उन्होंने फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फर्दर रीप्रोडक्शन के लिए कोई चीज यदि आप परचेस कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स है, लेकिन मशीनरी उन्होंने परचेस किया है फाइनल तौर पर उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर, राइट। और अब उस पे आप ऐसा नहीं कि वो मशीन एक टाइम पे खत्म हो जाएगी, सिंगल यूज नहीं है, आप इसको एक चीज और भी बोल सकते हैं कि जो वो सारी चीजें जो आप सिंगल यूज के लिए यूज कर रहे हैं वो सब इंटरमीडिएट है। जैसे कि यदि आपने जो कॉटन परचेस किया है वो कॉटन एक ही बार आप कॉटन से थ्रेड बन जाएगा, तो इट मीन्स आप तो एक ही टाइम यूज कर पाएंगे और कॉटन से थ्रेड, ये रहा कॉटन, यहाँ पे कॉटन था, ये प्रोसेस किया और अब ये थ्रेड बन जाएगा। लेकिन मशीनरी सिर्फ एक ही बार में यूज नहीं होगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होगी, तो जो सिंगल यूज प्रोडक्ट है वो इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा, बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं, और वो चीजें जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे वो फाइनल गुड्स रहेगी, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, कोई भी बिजनेसमैन जैसे कि कोई किसी ने समझिए कि बेसन खरीदा है और उसके भजिए बनाएगा, ये इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल है, या मिल्क परचेस किया है अब चाय बनाएगा, ये इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल है। लेकिन फाइनल गुड्स की बात करें तो हम जो भी चीजें खरीद रहे हैं बिग ए कंज्यूमर, मिल्क, राइस, पेन, पेंसिल, फर्नीचर एक्सेट्रा, टीवी, कुछ भी खरीदा, वो सब की सब चीजें क्या है, फाइनल गुड्स है। लेकिन बिजनेसमैन जो चीजें अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए चीजें खरीद रहा है वो सब के सब फाइनल गुड्स है। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बार बार हम जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो बार बार सुनने में आएगा, फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम। तो क्या है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम? देखिए फैक्टर इनकम पहले समझते हैं फैक्टर क्या होता है।
आपको चीजें बनाने के लिए, कोई भी चीज प्रोडक्शन करने के लिए जो जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आपने पढ़े होंगे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, वेजेस, ये सब के सब फैक्टर है किस चीज को बनाने के लिए। अब इसके बदले में जो आपको पैसे मिलते हैं वो सब के सब, या इसके बदले में जो रिवार्ड आपको मिलता है वो सब का सब क्या है, फैक्टर इनकम है। या सिंपली हम वो कहें कि वो सारी चीजें जो हम कमाते हैं, जो हम अर्न करते हैं, वो सब की सब फैक्टर इनकम है। कैसे देखते हैं, रिसीव फैक्टर इनकम, वी कैन डिफाइन इट फैक्टर इनकम एज रिसीव्ड एज रिवार्ड फॉर फैक्टर। इनकम विच रिसीव्ड एज रिवार्ड फॉर फैक्टर इज नोन एज फैक्टर इनकम। जैसे कि रेंट, आपने किसी को बोला चल भाई मेरा मकान रख ले या प्लांट रख ले तो यहां पर फैक्ट्री डाल दे, आपने प्लांट दिया उसके बदले में आपको रेंट मिल रहा है, राइट। आपने फैक्ट्री दिया तो आपको इनकम हो रही है, तो ये फैक्टर इनकम है। रॉयल्टी, आपने किताब लिख दी, पब्लिशर को दे दी, चल जा कमा ले तू भी, तो आपने उसको सर्विस दी अपनी तो आपको रॉयल्टी दे रहा है, राइट। तो आपने अपने फैक्टर सर्विस दी और आपको इनकम हुई, तो ये कौन सी इनकम है, फैक्टर इनकम। इंटरेस्ट, आपने बोला ले भाई तू पैसे रख ले यार, तेरे बिजनेस में काम आए कैपिटल के तौर पर, तू अपना बिजनेस कर, वो बिजनेस करेगा पैसे कमाएगा, तो आपने उसको फैक्टर दिया, वो आपको जो है रिटर्न में क्या देगा, फैक्टर इनकम देगा। प्रॉफिट, आपने बिजनेस में तन मन धन लगाया, पड़ा पूरी मैनेजरियल स्किल लगाई, खूब जो है मेहनत की, जब जाकर के आप बिजनेस से पैसे कमा पा रहे हो, बिजनेस भी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो उस पर्सन के लिए जितना भी आपने मैनेजरियल स्किल लगाई है वो आपको जो रिवार्ड देगा वो रिवार्ड क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी क्या है, फैक्टर इनकम। वेजेस, किसी के लिए आपने मजदूरी की, लो भाई साहब मैं आपके लिए काम कर देता हूं, आपने उसके लिए काम किया, उसके बदले में वो आपको मजदूरी के पैसे दे रहा है, वो आपको वेजेस दे रहा है, तो वेजेस आपके सर्विस देने के बदले में मिलने वाली आपकी कमाई है, तो इसी कमाई क्या कहलाएगी, फैक्टर इनकम, क्योंकि आपने फैक्टर सर्विस दी, फैक्टर इनकम मिल गई। सैलरीज, आपने ऑफिशियल काम किया, चलिए भाई साहब आपका अकाउंट बना लेते हैं, आपके पास कोई भी किसी भी टाइप का एम्प्लॉयमेंट, आपने किसी टाइप की सर्विस दी है उसके बदले में आपको सैलरी मिल रही है, ये कौन सी इनकम है, फैक्टर इनकम। यानी वो सारी इनकम जो कमाई हुई इनकम है, जो हम कमा करके मिलती है, जिसके लिए हम कुछ काम करना पड़ता है, वो सभी इनकम फैक्टर इनकम है। लेकिन वो सारी इनकम जिसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ता, जिसके लिए हमें कोई फैक्टर सर्विस देना नहीं पड़ती है, जिसके लिए हम कोई मकान किराए से नहीं देते हैं, जिसके लिए हम कोई किसी टाइप का सर्विसेज नहीं देते हैं, फिर भी हमें इनकम होती है, तो ऐसी इनकम विच रिसीव्ड एज नॉट फॉर रिवॉर्ड फॉर फैक्टर, रिसीव्ड एज नॉट रिवॉर्ड फॉर फैक्टर, फैक्टर के लिए कोई रिवार्ड नहीं है, आपने कोई फैक्टर नहीं दिया फिर भी आपको मिली है। जैसे कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई, कोई काम करते हैं क्या उसको मिल गए, नहीं, हम पढ़ेंगे अच्छा पढ़ें हम अच्छा करें इसके लिए मिली है, लेकिन हमने इसके लिए कोई हमारे को फैक्टर सर्विस नहीं दी है फिर भी हमको मिल रही है इनकम, तो फिर भी, तो ऐसी इनकम ट्रांसफर इनकम है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, आपको अलाउंस मिला, आप बेरोजगार है, इस बात का अलाउंस मिल रहा है, तो वो इसके लिए आपने काम नहीं किया भी, फिर भी आपको मिल रहा है, फिर भी आपको मिल रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कहीं और से कहीं और आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफर इनकम। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, वृद्ध पेंशन, राइट, तो ये भी आपको बिना किसी काम के मिल रही, तो ये भी क्या कहलाएगी, ट्रांसफर इनकम। डोनेशन, किसी ने दान दे दिया, चंदा दे दिया, दान देना, दान देने के लिए आप काम नहीं करना पड़ता है, तो दान आपको ऐसे ही मिल रहा है, तो बिना किसी फैक्टर सर्विसेज के आपको दान मिल रहा है, तो दान बिना किसी फैक्टर सर्विसेज के ही मिलता है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफर इनकम। नेक्स्ट, किसी टाइप का फाइन लग गया, टैक्स लग गया, ये सारी चीजें क्या है, ट्रांसफर इनकम है, राइट। तो वो सारी इनकम जो आपको बिना किसी फैक्टर सर्विस रेंडर किए मिलती है वो सब ट्रांसफर इनकम कहलाती है, और वो सारी इनकम जो आप किसी फैक्टर के बदले में आपको मिलती है वो सब फैक्टर इनकम है, राइट। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि फैक्टर इनकम इट मीन्स वो सारी इनकम जो आपको कमाई हुई है
और ट्रांसफर इनकम जो सब आपको दान वगैरह के तौर पर मिल रही है विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज राइट। तो हम लोगों ने नेशनल इनकम की शुरुआत में तीन इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े कि स्टॉक एंड प्लोमे का डिफरेंस है, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या है, और अभी जो पढ़ रहे हैं फैक्टरी इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस क्या है। तो पार्ट टू में और भी चीजें पढ़ेंगे, तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, जरूरी बात यह कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ कमियां हैं तो कमेंट करें ना यार। ठीक, थैंक यू।